अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आपको कंटिन्यू करने से पहले आप लोग फटाफट से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पर, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग कहीं मिस ना हो जाए। सो लेट्स मूव टुवर्ड अवर ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, मैं फ्रेश होके मैंने जोहर की नमाज भी अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सो सोचा कि अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। आज बहुत देर बाद इस तरह घर में व्लॉग बना रही। पहले आप लोगों ने मदीना के व्लॉग मेरे देखे, और जिस इतने अगर नहीं देखे मदीना के व्लॉग तो मैं आप लोगों को उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मदीना की खूबसूरती और जब वो सब कुछ छोड़ कर आते हैं तो बहुत याद आता है कि दोबारा जाएँ। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर जाएंगे, जब भी अल्लाह पाक हम लोग को बुलाएंगे हम दोबारा ज़रूर जाएंगे। लेकिन आज जो है मैं घर पर हूँ बच्चों के पास, और उबैद गए हैं उमरा अदा करने माशाल्लाह। आज वो मक्का शरीफ गए हुए हैं, वहाँ पे उमरा अदा करेंगे, और मैं इसलिए घर पर हूँ क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है कि अंदर एंट्री नहीं है बच्चों के साथ। तो फिर मैं बच्चे मेरे रहते भी नहीं है कहीं, मसला ये है कि अगर किसी के पास छोड़ जाओ यहाँ पर किसी भी फ्रेंड के पास तो वो कभी भी नहीं रहेंगे। मसला यह है कि ये दोनों रहते नहीं हैं, कभी भी मेरे बगैर नहीं रहे, तो इसलिए मुश्किल है कि इनको छोड़ के जाऊँ और फिर पीछे से रोते रहे बच्चे, तो इसीलिए मैं नहीं फिर गई ना। तो इंशाल्लाह दुआ तो यही है, अल्लाह से बार बार रो रो के दुआ करते हैं, अल्लाह करे कि सबके लिए खुल जाए, बच्चे बड़े नौजवान बूढ़े सबके लिए अल्लाह पाक करे कि ये खुल जाए और आसानी जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए इंशाल्लाह। और बस अभी मैंने जोहर की नमाज अदा की है, अब हम लोग कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। हल्के फुल्के में क्या आता है, फ्राइज़ आते हैं या सैंडविच आते हैं, लेकिन सैंडविच खाने को दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा फ्राइज़ बनाती हूँ। और माइजा ने भी डिमांड यही की है कि मामा मुझे फ्राइज़ खाने हैं, सो मैं अभी फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं, और आप लोगों को पहले जाने से पहले किचन में बच्चों की मस्तियाँ दिखाती हूँ कि बच्चे इस टाइम क्या कर रहे हैं। रोहान यहाँ पर अपने आप ही को तंग करके भाग जाता है और फिर वापस आके उसको हग कर लेता है ये देखें। सो गाइज़ यहाँ पर मेरे फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं, और अब फटाफट से इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ और केचप डाल के फिर बच्चे और मैं इसको इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। मुझे चाट मसाले के बगैर फिर अच्छे नहीं लगते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा केचप ही ये वाला फिनिश हुआ हुआ था, मैं इसी को मैंने निकालना है न्यू, मैं अभी नहीं निकालूंगी। तो चलिए फ्राइज लेकर अंदर चलते हैं, बच्चे पहले ही जाके अंदर बैठ चुके हैं और अब मैं इनको लेके अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और फिर हम लोग खाते हैं, फिर मैं आपको बच्चों का रिएक्शन भी दिखाती हूँ। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के। रीटिंग फ्राइज नाम नाम वन, हाँ आई वन ने रोमपर पहने, वन को तो बहुत गमी लग ली आज है ना। मम्मा ने एसी भी ऑन किया हुआ है, फैन भी ऑन किया हुआ है, फिर भी रोता रहता है। हॉट 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 है ना, यमी फ्राइज हैं, फ्राइज यमी अम्मा, यस थैंक यू, वेलकम। ओह वाओ, व्हाई डोंट यू लाइक इट। खालो 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 दोनों खालो। फ्राइज फ्राइज खा के बस अभी अभी ही हम लोग फ्री हुए हैं और मैं उठाती हूँ बर्तन और जाती हूँ किचन में। आज मैं कुछ स्पेशल बनाने लगी हूँ, और वो स्पेशल मैंने किसको देख के बनाया है, मैंने किचन विद आमना की रेसिपी देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो, और मुझे लग रहा था कि ऐसे ही बहुत डिलीशियस बना है खाना, तो मैं अभी बनाती हूँ इसको ना। सो आज वो मौका है कि वो बैठ गए हैं उमरा करने, जब वो आएंगे तो वो चाहेंगे कि उनको डिलीशियस और यम्मी यम्मी सा खाना मिले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं वो बनाती हूँ। तो वो उनकी रेसिपी का नाम था egg 65 रेसिपी, सो मैंने सोचा कि वही मैं ट्राई करती हूँ, उसके साथ मैं यह राइस बना लूँगी, अगर राइस ना बना सकी टाइम ना मिला तो फिर मैं उसके साथ रोटी ही बना लूँगी, देखते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन पहले हम चलते हैं वो बनाने के लिए, मुझे वो उनकी रेसिपी देख के बहुत यम्मी लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ उनकी रेसिपी। मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ बहुत ज़्यादा, उनकी रेसिपी देखती रहती हूँ, और उनमें से बहुत सारी मैं बनाती भी हूँ, और सच में गाइस बहुत डिलीशियस बनती हैं वो। तो चलिए आज भी हम वो किचन विद आमना की रेसिपी ट्राई करते हैं।
थैंक यू किचन विद आमना। अगर आप मेरी वीडियो देखें या कोई भी आपका रिलेटिव देखे तो आपको ज़रूर बताएगा कि मैं यहाँ सऊदीया में रहते हुए आपकी रेसिपीज को इतना फॉलो करती हूँ, और उनमें से डेफिनेटली मैं फॉर श्योर बनाती भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने एक सिंगापुरियन राइस भी आपकी रेसिपी देख के फॉलो करके वो बनाए थे, बहुत डिलिशियस बने थे। एक दो और रेसिपीज है जो मैंने आपको देख के बनाई हैं। आज मैं आपकी एग 65 रेसिपी ट्राई करने लगी, तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ, सही बनती भी है कि नहीं बनती है, लेट्स सी। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर इसका बैटर जो है रेडी हो चुका है। ये एग के साथ रेडी किया गया है, एग है इसके अंदर और काफ़ी कुछ है, तो बहुत ही यमी लग रहा है, बैटर ही यमी लग रहा है। तो देखते हैं बनाने में कैसा लगता है। चलिए इसको अब मैं ऑयल रखती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। एनीवेज इसकी जो योक थी वो मैंने माइजा को दे दी है, ये देखिए। ओके, और वो बहुत शौक से खा रही है ये। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसको ऑयल में, जिस तरह पकौड़े हम लोग बनाते हैं फ्राई करते हैं, इसी तरह मैंने इसको बॉल्स बना के इसके तो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये फ्राई हो रहा है इसके अंदर, और इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करती हूँ मैं इसके बाद। यहाँ पर ये मेरे फ्राई हो चुके हुए हैं, जो मैंने एक पकौड़ा कह लें या जो कुछ भी कहते हैं इसको, ये फ्राई हो चुके हैं, इसको मैंने निकाल लिया है और बहुत ही यमी लग रहा है इसको, लेकिन खाना नहीं है इसको। मज़ीद आगे जिस तरीके से बनाना है मैं वो बनाती हूँ, और फिर जब उबैद आएँगे तो उबैद के साथ मिलकर खाएँगे इसको हम लोग। लेकिन अभी ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी मैंने बनाना है, और देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ है कि अचानक एकदम से लाइट चली गई, और इस टाइम मगरिब का टाइम है और सारी लाइट्स ऑफ हो गई, अंधेरा हो गया। माइजा तो एकदम से रोना शुरू हो गई थी, अपने रूम में प्ले कर रही थी, ये डरती है अंधेरे से, तो मैं इसको फटाफट से लेकर आई थी। और ये देखिए रूहान को भी मैं साथ ही किचन में ले आई थी कि ये भी ना किरा डरे, तो इसको मैंने इसका कोट रखा और इसके अंदर मैंने इसको कहा लेट जाओ आप यहाँ पर सुकून से लेटो। उमाइजा को भी मैंने अपने पास ही बिठा लिया, और रोहान को भी अपने पास बिठा लिया। फ़ोन की टॉर्च ऑन है, और अब मैं अपना साथ साथ खाना बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने उसको बनाने के लिए एक 65 रेसिपी को यहाँ पे सब कुछ कट करके रखा हुआ है, सब कुछ रेडी है, सब मैं मज़ीद इसको बनाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये फाइनल लुक है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने जैसा मंचूरियन सॉस वगैरह बनाते हैं उस तरीके से सॉस बनाई है, और इसके अंदर फिर मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। उन्होंने किचन में दामना ने भी चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था, लेकिन मैंने साथ थोड़ा सा केचप भी ऐड कर दिया है टेस्ट के लिए, ताकि ज़्यादा मिर्ची मिर्ची ना हो जाए, चिली वाला ना बन जाए ज़्यादा। वैसे तो इसका टेस्ट बहुत ही यमी लग रहा है गाइस, सच में ये मतलब खुशबुएं इसकी जो फैली हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को ख़ुद भी पता चल जाएगा। तो बस अभी मैं उबैद का वेट करूँगी, उनको मैंने अभी कॉल भी की थी, वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकलते निकलते तकरीबन आधा घंटा या घंटा लग सकता है, तो पहुँचते पहुँचते उनको मज़ीद घंटा लगेगा। तो टोटल 2 आवर्स अभी हैं कि वो पहुँचेंगे, तो फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अब लाइट नहीं है, सो राइस मैं नहीं बना पाऊँगी, तो इंशाल्लाह मैं रोटी ही चलेगी। वो जब आएँगे तो गर्मा गर्म रोटी बना के इसको सर्व करूँगी, और उनका रिएक्शन देखेंगे कि उनको कैसा लगा ये खाना। और यहाँ पे उमाइजा ने मुझसे फरमाइश की कि मामा मुझे चॉकलेट जूस दे दें, तो मैं उसको चॉकलेट जूस दे रही हूँ। रोहान भी अब तंग कर रहा है, और मैं इसको अब अंदर लेके जाती हूँ, दोनों बच्चों को आराम से बिठाती हूँ अंदर जाके। ये लो बेटा आप इसको मिक्स करो जल्दी से, और चलो चले अंदर चलें, भाई रो रहा है, अब तंग कर रहा है वो, चलो शाबाश। अचानक अंधेरा हो गया ना, बस इसीलिए वो डिस्टर्ब हो गए हैं बच्चे। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंधेरे में जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना नहीं आप लोग ने भूलना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आधा व्लॉग लाइट के बगैर हमने जो बनाया कैसा लगा आप लोगों को, और खाना भी ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मेरी तरह। अगर आप लोग खाना मतलब आके मुँह में पानी आया रेसिपी देखे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि अंधेरा है काफ़ी, तो बच्चे भी थोड़ा डर रहे थे, जो बैद अभी नहीं आए, वो बैद आएंगे तो वो लाइट चेक करेंगे बाहर से, क्योंकि मीटर का मुझे नहीं पता हिसाब किताब क्या होता है, तो वो आके चेक करेंगे। तो अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।